तो मैं देखा भी नहीं सही से। ये मैं तो डिक्लेयर कर दिया, इतने भी बोलने पर चैन की मां चली जाओ। सही कह रहे जी, पढ़ाई खड़ा हो। एक क्या तुम मार रहे हो उसके? जो से मारो ना। चलो और किसका नंबर है? तृप्ति त्यागी, मैं तेरे को बोल रहा हूं। ए बुढ़िया, तेरा घर पे छोटे छोटे बच्चा नहीं है? तेरा बच्चा नहीं है? तेरा बेटी नहीं है? तेरा बेटा नहीं है? ए बुढ़ी चुड़ैल, तू टीचर के नाम पे कलंक है। ऐसे हरामखोरी बुढ़ी चुड़ैल को तुरंत पुलिस कार्रवाई करना चाहिए। इसको लाइफ टाइम जेल में भेजना चाहिए और पूरा स्कूल को ताला लगाना चाहिए। दोस्तों आप लोग सुनिए, जो हिंदुस्तान लाइव है क्या बोल रहे हैं और हिंदुस्तान लाइव का रिपोर्टर क्या बोल रहा है, इस वीडियोस को पूरा सुनेंगे और इस वीडियोस को देखेंगे तब आप लोग को पता चल जाएगा कि देश में हो क्या रहा है। सोशल मीडिया पर आज दोपहर से ये वीडियो जबरदस्त आग लगा रही है, खूब वायरल हो रही है। और हो भी क्यों ना, आखिर चांद तक पहुंच चुके हैं हम। भारतीयों ने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। वहीं दूसरी तरफ इस तरह की शिक्षिका, ऐसी टीचर जो एक मुसलमान बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवा रही है, जिनको मासूमों को अभी यही नहीं पता क्या हिंदू और क्या मुसलमान, जो इस तरह का जहर अपने दिल में रखती है कि वो क्लास में थप्पड़ पड़वा रही है एक मुस्लिम बच्चे के, बेहद निंदनीय, शर्मनाक। और इस टीचर के खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। दरअसल ये वीडियो मुजफ्फरनगर के खतौली के मंसूरपुर थाना इलाके के गांव खुब्बापुर के नेहा पब्लिक स्कूल का है और ये टीचर तृप्ता त्यागी यही चलाती है स्कूल। इसने, आपने सुना गौर से क्या कहा, कि मैंने तो डिक्लेयर कर दिया जितने भी मोमडन बच्चे हैं इनकी माँ डैश डैश डैश, जो हमारी भी समझ में नहीं आया क्या बोल गई। और आगे जो वीडियो बनाने वाला है वो बंदा हंसता है और वो कहता है, हा 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 सही कहा आपने, पढ़ाई खराब हो इनकी, एक छोटा बच्चा तभी मारता है जोरदार चांटा। मैडम तभी कहती है, या जहर सी भुजी हुई औरत कहती है कि क्या तुम मार रहे हो, इसको जोर से मारो, चलो अब किसका नंबर है, अब की बार कमर पर मार दो। एक मरतबा गौर से सुनिए और देखिए किस तरह से ये टीचर, जो वाकई टीचर कहलाने के लायक नहीं, एक शिक्षिका की कुर्सी पर बैठने के लायक नहीं, जिसको जेल में होना चाहिए, किस तरह से बोल रही है और बच्चों के अंदर कैसा जहर पैदा कर रही है। दोस्तों फिलहाल यूपी के मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर का जो घटना हुआ है, एक मुस्लिम बच्चों के साथ जो टॉर्चर हुआ है पूरा देश ने देखा होगा। तृप्ति त्यागी जो चुड़ैल है, नेहा पब्लिक स्कूल चलाते हैं और वहां पे एक मासूम 8 साल का मुस्लिम बच्चों के साथ जो अत्याचार हुआ है पूरा देश ने उसको देखा होगा। दोस्तों इतना दिल दहलाने वाला बात है कि अगर आप उसको देखेंगे, मैं दोस्तों पूरा रात भर सो नहीं पाया दोस्तों, कैसे सो जाए। इस टीचर के अंदर अच्छा करेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। वो टीचर अगर चुड़ैल बन जाए, वो अगर राक्षस बन जाए, अगर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई करने लगे तो स्कूल कैसे चलेंगे दोस्तों। तबरेज को खत्म किया जाता है, पहलू खान को खत्म किया जाता है, असीफा को खत्म किया जाता है, आप इतने से उन लोगों का पेट नहीं भरा। अभी छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में पढ़ते हैं उनके ऊपर हाथ सफाई कर रहे हैं दोस्तों, शर्म की बात है। हमारे सिस्टम को शर्म आना चाहिए कि हमारे देश में हो क्या रहा है। आज हमारे मुस्लिम बच्चा एक हिंदू स्कूल में सुरक्षित नहीं है और हम चुपचाप बैठे हैं दोस्तों, पूरा देश ने देखा होगा ये वीडियोस। जिसके छोटे छोटे घर पे बच्चे हैं, आप लोगों को जरूर पता होगा, अगर आप लोग ये वीडियो देखते हैं तो आपका दिल में क्या महसूस होगा वो अभी को पता है। एक टीचर जो होता है भूल जाते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई फलाना डीम का भूल जाते हैं, वो सिर्फ टीचर ही रहता है और बच्चों के लिए वो काम करते हैं।
एक टीचर भूल जाते हैं कि छोटा घर से आया या बड़ा घर से आया या झोपड़ी से आया या महल से आया, ये सारे चीज भूल जाते हैं स्कूल के अंदर। एक टीचर भूल जाते हैं सब कुछ, जिसमें भेदाभेद हो वो सिर्फ एक ही दृष्टि से देखता है कि ये मेरा बच्चा है, मेरा स्टूडेंट है। अभी यूपी में क्या चल रहा है, ट्रेंड चल रहा है बच्चों के अंदर, देखिए दोस्तों कितना डर पैदा कर रहा। ये बच्चा जो है दोस्तों क्रोमा में चला जाएगा, ये बच्चा जिंदगी भर ये भूल नहीं पाएंगे जो इमेज इन लोगों ने क्रिएट किया है। अभी ऐसा स्कूल में मोहम्मदियन बच्चा एडमिशन होगा ही नहीं। आप सुनिए, ये औरत जो है, ये चुड़ैल जो है क्या बोल रही है, नॉन मुस्लिम बच्चे उसको पीट रहे हैं। ये नॉन मुस्लिम बच्चा भी जब बड़ा हो जाएगा उसके अंदर क्या माहौल पैदा होगा, आप सोचिए दोस्तों। एक स्कूल के अंदर ऐसा होता है। हमारे जो चंद्रयान चांद पे जा रहे हैं लेकिन हम देश के अंदर आजाद नहीं है दोस्तों। इस छोटे बच्चों के अंदर जो हादसा हुआ है वो जिंदगी भर नहीं बोलेगा, उसका दिल जो है ना टूट फूट गया है, वो डरेगा, वो क्रोमा में चला जाएगा। अब इस बच्चे का जिम्मेदारी कौन लेगा, योगी आदित्यनाथ जी? आप तो छोटे छोटे क्राइम करने वालों को घंटा बजा देते हो ना, ये क्राइम नहीं है? आपके आंखों में चश्मा लगा हुआ है ना, हाँ ये क्राइम नहीं है? इसके ऊपर आप क्या करेंगे आदित्य जी, नरेंद्र मोदी जी? अब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, हाँ हर धर्म सर्वधर्म एक है नेक है फलाना डिम का करते रहते हो, तो ऐसे लोगों के ऊपर क्या कार्रवाई करोगे? सोशल मीडिया पर आज दोपहर से ये वीडियो जबरदस्त आग लगा रही है, खूब वायरल हो रही है। और हो भी क्यों ना, आखिर चांद तक पहुंच चुके हैं हम, भारतीयों ने पूरी दुनिया में अपना नाम रोशन किया। वहीं दूसरी तरफ इस तरह की शिक्षिका, ऐसी टीचर जो एक मुसलमान बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवा रही है, जिनको मासूमों को अभी यही नहीं पता क्या हिंदू और क्या मुसलमान, जो इस तरह का जहर अपने दिल में रखती है कि वो क्लास में थप्पड़ पड़वा रही है एक मुस्लिम बच्चे के, बेहद निंदनीय शर्मनाक। और इस टीचर के खिलाफ जितनी सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए थी वो होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं हुई। इस लेडी टीचर के खिलाफ वो कोई शिकायत दर्ज कराना नहीं चाहते। अब लिहाजा जब कोई कंप्लेनेंट ही मौजूद नहीं है तो फिर पुलिस मामला दर्ज करेगी कैसे? बावजूद इसके इरशाद ने लिखित पुलिस को जब दे दिया तो मुजफ्फरनगर खतौली के क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर रविशंकर ने क्या कुछ बताया है, उनकी भी एक बाइट वायरल हो रही है, उनका बयान वायरल हो रहा है, एक बार सुनिए खतौली के क्षेत्र अधिकारी डॉक्टर रविशंकर को भी। अवगत कराना है, सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में एक महिला शिक्षक द्वारा एक बच्चे को दूसरे बच्चों से पिटवाने की बात संज्ञान में आई है। इसका संज्ञान लेते हुए तुरंत वीडियो की जांच पड़ताल कराई गई, तो जो प्रारंभिक तौर पे जो तथ्य प्रकाश में आए हैं इस प्रकार है। ये वीडियो मंसूरपुर थाना क्षेत्र के खुब्बापुर गांव का है, जहां पर एक महिला द्वारा अपने घर में स्कूल संचालित किया जा रहा है और उसी स्कूल की कक्षा का ये वीडियो है, जिसमें महिला शिक्षक द्वारा एक बच्चे को दूसरे बच्चे से उसके स्कूल की कामना करने पर पिटवाया जा रहा है और कुछ आपत्तिजनक बातें उस वीडियो में बोली जा रही हैं। इसको संज्ञान में लेते हुए सभी संबंधित से बात की गई है और इसमें तहरीर प्राप्त की जा रही है और अग्रिम विधि कार्रवाई। बहरहाल डीएसपी साहब ने तो अब साफ कह दिया है कि अब इसकी मामले की जांच करेंगे, लेकिन जैसे मैंने कहा कि जब शिकायतकर्ता नहीं होता तो पुलिस ही इसमें इंटरेस्ट लेगी। आवाज उठाइए दोस्तों, आवाज उठाइए। आज अगर आप और मैं चुपचाप बैठे रहेंगे ना तो हमारा सोसाइटी भी एक दिन तबाह हो जाएगा। ये फलाना डिम का होते रहेंगे दोस्तों। एक टीचर का कोई धर्म नहीं होता है, उसका काम होता है बच्चों को पढ़ाना, उसका काम होता है बच्चा अगर गलती भी करता है उसको समझाना, अगर उससे नहीं होता है तो उसका गार्जियन या गार्जियन को पास दे देना, उसको भेज देना। लेकिन इस तरह मारना, आप एक दो थप्पड़ दे देता अच्छा बात होता, लेकिन छोटे छोटे बच्चों से उसको मार रहे हो। पूरा एक घंटा दो घंटा उस बच्चों के साथ टर्चर होता है दोस्तों। अगर वो मर जाता, उसका हार्ट फेल हो जाता, ऐसा भयानक माहौल देश के अंदर क्रिएट किया जा रहा है। ये पूरा एक षड्यंत्र है, ये पूरा एक प्लानिंग है उन लोगों का कि माइनॉरिटीज के ऊपर ऐसे अटैक किया जाए तो माइनॉरिटी डरे। लेकिन हम डरने वाले में से नहीं है,
हम डरने वाले समय नहीं है, हम और आगे बढ़ेंगे, हमारे पास और ताकत आएगा, हम अपने देश के लिए जान भी दे देंगे, हम इससे डरते नहीं है। समझ में आया ना? समझ में आया? अब मेरा क्लास में कम से कम 40-40 बच्चा सब नॉन मुस्लिम है, जो मैं योगा सिखाता हूं लोंका में, ये देखिए ये सारे बच्चे नॉन मुस्लिम्स है, इतना प्यार करता है मुझे, मैं उनको योगा सिखाता हूं। हमारे अंदर तो ऐसा भेदाभेद नहीं है। पहले शुरुआत हुआ यूपी से, अब पूरा देश में हो रहा, आहिस्ते आहिस्ते देश में हो रहा। तो गवर्नमेंट को मैं एक ही अनुरोध करता हूं, कृपा करके ऐसे स्कूल के ऊपर कड़ी से कड़ी सजा हो, और ऐसे तृप्ति योगी या ढुंगी या त्यागी क्या मुझे नहीं पता, ऐसे औरत को, ऐसे हराम खोरी को पूरा जेल में भेजना चाहिए। दोस्तों इस वीडियो को पूरा शेयर कीजिएगा ताकि पूरा इंडियंस को पता चले, पूरा दुनिया वालों को पता चले कि इंडिया पे हो क्या रहा है, माइनॉरिटीज के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है और माइनॉरिटीज के साथ कितना अन्याय हो रहा है। ऐसे ही हमारा बोरोलैंड में हजारों लाखों मुसलमानों के साथ हुआ, अभी भी कोई पॉलिटिशियंस कोई भी हमारे पास नहीं आ रहे दोस्तों, सब अपना फायदा उठाते हैं, सब अपना बस फायदे के लिए सब कुछ करते हैं, लेकिन कोई नहीं आते। एक दिन हमारा भी दिन आएंगे दोस्तों, लेकिन हम उस दिन देश के लिए कुछ अच्छा करेंगे, देश के लिए खराब नहीं करेंगे। जय हिंद, जय भारत।